सीमा आंटी, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अपने शोहर को भी छोड़ छाड़ के चली गई हुई है इंडिया खे खाने के लिए, आज हम उन्हीं का सिनेरियो डिस्कस करेंगे। गदर मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, जो चूस गदर के अंदर बजी है डिट्टो सेम वही चूस इत्थे भी बाजी गई है। मैथ्स के लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो हैंस प्रूफ्ड LHS इज इक्वल RHS। गदर वाला सीन तो कुछ और था, उधर की सिचुएशन आउट ऑफ ऑर्डर थी, लेकिन आंटी सीमा वाला जो सीन है ना वो सारा मुद्दा पबजी पे डाल दिया जाता है। सीन ऐसा होता है, आंटी सीमा होती है पबजी की पीरो प्लेयर, और जो सचिन होता है की मरे तरह चुसी भी आम गुटली यार मुंह है वो होता नूबड़ा प्लेयर। आंटी नॉकआउट होती है आपकी गुटली के मुंह वाला, उनको रिवाइव कर देता है, उसके बाद मन में लड्डू फूट जाते हैं और उसके बाद काटे नहीं कटते दिन या रात वाला बैकग्राउंड में म्यूजिक चल पड़ता है। फिर आंटी अपने बंदे को गोली कराती है और पहुंच जाती है इंडिया। अंकल हैदर मैं क्या पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान आपके दुख में बराबर का शरीक है, जिस तरह इसने आपको टॉपी करवाई, आपके बच्चों को टॉपी करवाई, उसी तरह इसने दीन को भी और मुल्क को भी टॉपी करवाई है। अक्सर आठ बकोल इनके कि इनको पबजी से लव होता है और उसके बाद ये इंडिया पहुंच जाती है। अब इंडिया में जो इसकी इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं ना, उनसे पता चलता है कि इनको अपने दीन का एक लफ्ज ही नहीं आता, बल्कि सलूट है भाई उन हिंदू रिपोर्टर्स को जिनको हिंदू होने के बावजूद सूरतों के नाम आते लेकिन आंटी को नहीं आते। बात इंडिया और पाकिस्तान की नहीं, बात यह कि यार कितना शेमफुल एक्ट है, अपने बच्चों की परवरिश करने के बजाय बुढ़े वाले आप लोग आशिकी मशूकियां लगा रहे हो। मुझे नहीं पता आंटी का ताल्लुक पाकिस्तान से है अभी या नहीं है, मैंने जो सुना सुनाया आप लोगों को सुना दिया है। खैर यार देखो आजकल हम पबजी पे बहुत ज्यादा कपल्स पढ़ रहे हैं और ये बहुत ज्यादा बात वायरल हो रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच से काम लेते हुए मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूंगी। इन दोनों हरामदों को देखने के बाद ना मेरे दिल दिमाग में बस एक ही बात आती है कि पबजी खेलना तो दूर की बात, इनको तो मोबाइल में गैलरी ऑन करनी ना आती हो, कैंडी क्रश ना खेलनी आती हो। दुआ ज़ारा का जो सीन हुआ था वो भी पबजी से क्रिएट हुआ था, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, एक स्कैंडल क्रिएट हो चुका हुआ था। चलो जी समझ आती है जी पबजी खेल के बच्चे खराब हो गए, लेकिन इधर माँ ही खराब निकल आई है इतने ज्यादा बच्चों समेत। अक्सर मेरी मम्मा मुझे ये बात सुनाती होती है, कहती होती है कि एक औरत एक मुआशरा संवारती भी और बिगाड़ती भी है।